अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर के मुताबिक जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अब तक प्रीवियसली पेपर में आ चुके हैं उनके मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको इस वजह से आसानी रहे। तो फर्स्ट, इस वजह से जो हमारे पास क्वेश्चन प्रीवियसली गुजर चुका है वो है प्राइम इज अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है? ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह हमारे पास लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेगर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत दफ़ा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आवर पीसी बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन, इस वक्त जो पीसीज वगैरह चल रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन के पीसीज हैं। नेक्स्ट है जी फ्रेड कोहन कॉइंड द वर्ड कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस जिस बंदे ने दरियाफ्त किया था उसका नाम बताया जा रहा है, फ्रेड कोहेन उसका नाम था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड इन 1970 एट बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज में 1970 में फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर वायरस था वो क्रिएट किया गया था, ठीक है? कंप्यूटर वायरस भी एक्चुअली एक कंप्यूटर कोड का नाम है, उसका जो एंटीवायरस है वो भी दरअसल एक कंप्यूटर कोड का ही नाम है, दोनों चीज़ें कंप्यूटर कोडिंग ही है। इसके बाद है वॉर्म मीन्स राइट वंस रीड मैनी, यानी एक दफ़ा लिख सकते हैं बहुत दफ़ा पढ़ सकते हैं, ये कंप्यूटर की एक यानी कि कह दीजिए कि एक डिक्शनरी का नाम है, ठीक है? कि हम किसी भी चीज़ को एक दफ़ा लिख सकते हैं, लेट्स सपोज वेबसाइट पर कोई चीज़ एक दफ़ा हमने लिख ली, अब उसको तो हम काफ़ी दफ़ा रीड कर सकते हैं, उस एग्जांपल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डोमेन का नाम है ये। नेक्स्ट है हाफ बाइट इज इक्वल टू 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, एक्चुअली जो 1 बाइट होता है वो इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के, और जो हाफ बिट होती है 1/2 कह लीजिए उसको हम 1 निबल या फिर 4 बिट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है? 2 1 2 टू 4 8, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिट मीन्स बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं? बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिसमें जो होता है 0 और 0 के अलावा होता है 1, तो इनको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1,48,576 बाइट्स के इक्वल। तो ये आप ये किस तरह से होगा, ये एक्चुअली जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह सो ऑन, इसमें आपने चीज़ों को ऐड करते रहना है, तो आपके पास ये चलते 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 ये वैल्यू आ जाती है। तो ये एक्चुअली कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, डिटेल में हम कंप्यूटर कोर्स में इस चीज़ के मुताबिक भी डिस्कस करेंगे, अभी हम ऑनलाइन और एमसीक्यू उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपने चीज़ें आज के दिन के लिए याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 10 मजीद इस वाले से जो एमसीक्यूज़ हैं, वन लाइन के एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।